नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण किया और साथ ही भ्रमण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चों को दुलारते दिखे और इसी के साथ ही सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। गोरखनाथ मंदिर में किया प्रातः भ्रमण, भ्रमण के दौरान बच्चों को दी चॉकलेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट्स बांटी और साथ ही गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण भी किया और गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स बांटी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटे। गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण किया और साथ ही भ्रमण के दौरान बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी। गोरखनाथ मंदिर में किया प्रातः भ्रमण, भ्रमण के दौरान बच्चों को चॉकलेट्स दी। गोरखपुर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि सातवें चरण में यूपी के गोरखपुर सीट पर भी मतदान होना है। सीएम योगी ने सांसद रवि किशन के लिए पक्ष में वोट की भी अपील की। समस्त देवतुल जनता दोनों हाथ उठा ला, सब लोग दोनों हाथ उठा ला, बोला गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, पूज्य महाराज की जय। आज संत अवैधनाथ महाराज जी स्वर्गीय, उनका उनकी जयंती है। उनके बारे में यह कहा जाला कि जनमानस में जो जाति के समरसता रहे उसे खत्म करे में पूरा प्रयास रहे। अद्भुत व्यक्तित्व रहना महाराज जी के, गुरु जी रहना, आज उनकर जयंती बा। माननीय सांसद रहना यह गोरखपीठ से, हम चाहब कि उनके जयंती पे नमन करते हो, बोलो महंत अवैधनाथ महाराज की, क्योंकि ऐसे संत ऐसी सोच और राम मंदिर जो देखा ताड़ा ओकर आंदोलन यह मठ से भइल रहे। जे आज 500 वर्ष के बाद हम समस्त सनातनी विचारधारा का एगो प्रभु राम के मंदिर हर अयोध्या में विराजमान बा। तो भैया हो, ऐसे में हमारे पूज्य महाराज जी के स्वागत नमन, महाराज जी समय देला जहां पूरे भारत में मोदी जी के बाद पूज्य महाराज जी का 200 सभा लग गई और हमनी का सौभाग्य कि पीपीगंज के ही पावन धरती पर पूज्य महाराज जी का चरण पड़ल। विश्व के सबसे बड़े नेता का जो चुनाव बा उनकरा खातिर आज पूज्य महाराज जी कहिया हमके आशीर्वाद देना दूसरी बेर और ये मठ का सीड बा। हम यहाँ खड़ाऊ रख के सेवा करत है भैया हो, ये मंदिरिया के सीट है, पूज्य महाराज जी का सम्मान लगल बा और विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव बा जिनका नाम बाटे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये 26 लोगन का जो दल दल आयल बा उन लोगन में से केहू का चेहरा प्रधानमंत्री का एक गिनवा दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
बंदे बंदे। बहनों और भाइयों, आप सब तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जब मैं आता हूं तो भाषण की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक भाव होता है। और भाव इस बात का कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज कितना इस क्षेत्र में विकास कराया जा सके, कि न केवल आपका बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। और इसीलिए हम लोग यहां पर चुनाव के दौरान भी आते हैं, चुनाव के इतर भी अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बराबर यहां लगे रहते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हमें अच्छा लगता है गांव-गांव की सड़कें जो 2017 के पहले खराब पड़ी हुई थी, आज वे सड़कें कोई 2 लेन की कोई 4 लेन की हो गई। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां पे हर जगह डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, आईटीआई भी हैं और स्टेडियम भी है, अच्छी सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है, बाढ़ बचाव के लिए उत्तम व्यवस्था हुई है और भी जो कुछ हो सकता है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब थोड़ा प्रयास होता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इसका लाभ हमारे कैंपियरगंज के लोगों को, इसका लाभ हमारे पिपराइज के लोगों को, इसका लाभ हमारे सहजनवा के लोगों को, इसका लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त होना है। और इससे लोगों को ये लाभ होने जा रहा है, अच्छा लगता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं जानता हूं कि आप कमल चुनाव चिन्ह के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है, उसके बाद आप चूंकि 5 बार तो आपने मुझे ही सांसद बनाया, इससे पहले पिछली बार 2019 में श्री रवि किशन को आपने सांसद बनाया और 2024 में मैं केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आया हूं। ये तो मैं जानता हूं कि आप रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन यह वर्ष विशेष है, हमारे लिए विशेष है, इसलिए विशेष है क्योंकि गोरखपुर से जो आंदोलन 1949 में प्रारंभ हुआ था, गोरखपुर से जो आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ, 1986 में जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी देश प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का ताला खोला था, आज जब उस स्थान पर प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, तो तब होने वाले चुनाव में गोरखपुर में रिकॉर्ड वोट मिलने चाहिए, रिकॉर्ड वोट। उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं कैंपियरगंज में आया हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अभी देखिए यहां के बाद मिर्जापुर में जाऊंगा, मिर्जापुर से फिर बिहार मुझे जाना है, परसों फिर मुझे हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाना है, लेकिन मैं देखता हूं कहीं भी मैं जाता हूं मैं जनता जनार्दन से पूछता हूं, जैसे आपकी बड़ी सभा लगी है ऐसी बड़ी सभा जनता जनार्दन के द्वारा हर जगह पूरे देश के अंदर ऐसे उत्साह देखने को मिलता है। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं, आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर।
बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बैनर भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान के अपने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला, जिस स्थान पर है भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह, आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन राम द्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में है। बहनों और भाइयों, राम भक्त देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाईवे 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे ये राम भक्तों के द्वारा बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, हर घर नल की योजना, एयरपोर्ट का निर्माण और औद्योगिकीकरण का जो नया दौर शुरू हुआ है, ये राम भक्तों की देन है। हर घर नल की माध्यम से आपके घर में जो शुद्ध जल आने वाला है, राम भक्तों की देन है। गरीब को अन्न योजना, फ्री में अन्न की योजना,
ये राम भक्तों की देन है। गरीब के लिए ये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो उपचार की सुविधा हो रही है, मुफ्त उपचार की सुविधा हो रही है, ये राम भक्तों की देन है। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। याद करिए ना, कांग्रेस के शासन में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, पहले तो कनेक्शन नहीं मिल पाता था रसोई गैस का, और रसोई गैस का कनेक्शन ले लिया आपने तो रसोई गैस का सिलेंडर भी धोखा कब देता था, जब पर्व और त्योहार के दिन या जिस दिन मेहमान घर में आए हुए हो। और बहनों और भाइयों, जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ समाप्त और व्यक्ति रसोई गैस लेने के लिए एजेंसी में जाता था तो वहां रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। और फिर अगर आपको पुलिस का डंडा नहीं खाना था और खाली सिलेंडर लेके घर में आ गए तो ये देखो, ये ब्रजेश यादव और इन लोगों के सिर पे जो टांके लगे हैं ना, ये सब उसी बेलना के हैं जो घर में बेलना से मार पड़ती थी। बहनों और भाइयों, ये हाल होता था। आज कम से कम 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन भी दिया है और जितना रसोई गैस जलाना है आपको रसोई गैस की कमी कहीं नहीं पड़ सकती है, यह राम भक्तों के कारण। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून को जब फिर से राम भक्तों की सरकार बनेगी देश के अंदर और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो तब 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराएंगे उपचार के लिए। जितने गरीब बचे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है उसको भी एक एक मकान देंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्तों के द्वारा किया गया ये प्रयास और दूसरी तरफ राम द्रोहियों के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, गरीब को मकान नहीं मिलता था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से मासूम तलब तलब करके दम तोड़ता था और आतंकवादी घटनाएं होती थी। अयोध्या में राम मंदिर पे आतंकी हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद में आतंकी विस्फोट हुए तब कांग्रेस की सरकार थी। लगातार ये घटनाएं घटित होती थी और हम संसद में इन मुद्दों को उठाते थे तो बहनों और भाइयों, सरकार क्या कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। और अब तो अगर पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, ये ताकत है देश की। ये जो परिवर्तन हुआ है ये परिवर्तन मोदी जी के कारण हुआ है। भारत का अगर सम्मान बढ़ा है, भारत सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो मोदी जी के कारण। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत, सम्मान प्राप्त कर रहा भारत, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त भारत, विकास की नए प्रतिमान स्थापित करने वाला भारत, दुनिया के एक महाताकत के रूप में बढ़ता हुआ भारत है, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे इनके हाल क्या है, इनका घोषणा पत्र क्या कहता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप,
पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन, तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुरके के अंदर दुबक करके घर में रहना पड़ेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, यह देश किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छेड़छाड़ करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हुआ। आज एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे, जीतेंगे तो पिछड़े और अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देंगे ये लोग। ये हरगिज नहीं होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी मुगालते में है तो देश की जनता उनको वहां पहुंचाने का काम कर पाएगी जहां पे इन दोनों दलों को कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कैंपेयरगन से नया रिकॉर्ड बनना है और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप बनाने को तैयार हैं? बनाने को तैयार हैं? भाई थोड़ा जोर से दोनों हाथ लाके पीछे तक आवाज उठाओ, सहमत हैं? बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। अगले दो दिन का, तीन दिन का समय प्रचार के लिए बचा है। ये तीन दिन का समय आप भाजपा को और भारत को देंगे। ये तीन दिन का समय, तीन घंटे का समय देंगे। कितने लोग देंगे? अगर आप सब देने को तैयार हैं तो मेरी बात सुनो, अगले तीन दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घर में जाना है। तीन दिन में 30 घर का मतलब, यानी 30 घर का मतलब 150 वोटर। तीन दिन में 150 वोटर से प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क करना है। मोदी जी का भी और योगी जी का भी संदेशा लोगों को देना है और कहना है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल खिलाने के लिए रवि किशन को जिताना है। बोलेंगे, लोगों को सहमत करेंगे, रवि किशन भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। लेकिन तब जब ये 150 वोट जिनसे आप संपर्क करेंगे अगले तीन दिन के अंदर, इसको मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान भी करवाना है, करवाएंगे। 10 बजे तक मतदान करवा देना है 1 जून को, कराएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पाकर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान सभी लोगों से मतदान करने की भी अपील की और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।